Hello everyone, CBSE 12th class NCERT book chapter number 9, chapter का नाम है ग्लोबलाइजेशन। बहुत ही ईजी चैप्टर है ये, इंटरेस्टिंग है और पहले बहुत सारे पार्ट्स हम इसके पढ़ भी चुके हैं हेजमनी के अंदर, यूएस हेजमनी में, कि किस तरह से जो है यूएसए के मिलिट्री का कल्चरल का उसकी इकनॉमी का यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट होता है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी को देखते हैं दोबारा से। उसी का रिजल्ट है ये कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या है ग्लोबलाइजेशन? ग्लोब होता है जब पूरा वर्ल्ड दिखता है ना आपको, ग्लोब, तो ग्लोब पे क्या है, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट या कोई भी प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, उसका प्रचार हो जाए, पूरे लोग उसको यूज करना शुरू कर दें, उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। कहते हैं ना कि हवा है, किसी चीज़ की हवा है, जैसे कि आजकल टिकटॉक वगैरह की खूब हवा है, तो ये क्या है कि टिकटॉक का ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, जींस की पैंट का हमने पहले पढ़ा था, कल्चरल बेस पे खाने पीने का है, जो हम खाते हैं तो वो पूरे वर्ल्ड में, जैसे बर्गर वगैरह पिज्ज़ा वगैरह डिमांड कर रहे हैं कॉलेज स्कूल के बच्चे, इस तरह से पूरे क्या है, पूरे वर्ल्ड में इन चीज़ की यहाँ पे हवा है, तो हवा को ही कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसके अच्छे इम्पैक्ट भी है और बुरे भी हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही पढ़ेंगे यहाँ पर। और ये नहीं कि केवल ब्रिटेन से या वेस्टर्न कंट्री से या फिर यूएसए से ही आता प्रोडक्ट, चाइनीज़ आइटम बहुत सारे आते हैं, उनकी भी हवा है, उनका भी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। इंडिया से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इंडिया का भी बहुत सारा जो है पॉइंट यहाँ पे हम कवर करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। कुछ लोग, जी जनार्दन है, काम करता है कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर क्या होता है, किसी भी एक बड़ी कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी का कहीं पर ऑफिस होना, वहीं पर काम करवाते हैं, कॉलिंग होती है, लगभग कॉल सेंटर कहते हैं इसको। ये सर्विस सेंटर होता है, जैसे कि आपका फ़ोन है, आपने सिम ले रखी है एयरटेल की या कोई भी, आप कॉल करोगे, आपकी सिम अपने चेंज करनी है या कोई अपने सर्विस लेनी है उस चीज़ की, ठीक है, SMS फ्री करवाने हैं या डाटा लेना है हमने एक्स्ट्रा, तो आप कॉल करोगे तो कॉल सेंटर वाले उठाते हैं, तो कॉल सेंटर वाले आपकी जो प्रॉब्लम्स को लेंगे या फिर उसको सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो एक कंपनी का कॉल सेंटर है वो एयरटेल का, ऐसे ही हर कंपनी के, मल्टीनेशनल कंपनी के अपने अपने कॉल सेंटर होते हैं, सर्विस सेंटर होते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो। ठीक है, तो उनमें जो है लोग डे एंड नाइट में शिफ्ट करते हैं, काम करते हैं, गुड़गांव में, बेंगलोर में, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, ऐसे क्या पता कंपनी हो यूएसए की और काम हो रहा हो इसका इंडिया में, गुड़गांव में हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है, सस्ता पड़ता है उनको यहाँ पे काम करवाना, सॉफ्टवेयर कंपनी है गूगल वगैरह सभी तरह की। तो ये है जनार्दन, तो कैसे इसका रूप चेंज होता है, देखो कॉल सेंटर में ये इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का दिखा रखा है कि वो रात को काम करने जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है यहाँ पर देखते हैं, जो जनार्दन है उसका नाम, वहाँ पे ऑफिस में जाते ही अपना नाम जो है क्या उसका जॉन के रूप में वो नाम अपना रखता है। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रेंड है कि बड़ा नाम है जनार्दन तो छोटा नाम रख लेते हैं, जॉन के नाम से यहाँ पे ऑफिस में जानते हैं लोग इसको। ठीक है, और जब कॉलिंग होगी कहीं भी, मान लो ये ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से कहीं भी कॉल आएगी पूरे वर्ल्ड से, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी तो हर जगह होती है, तो जॉन उठाएगा, जॉन बात करेगा। ठीक है, तो उन्हीं के लैंग्वेज में बात करेगा ये, अगर इंग्लिश है इंग्लिश में करेगा, अगर स्पेनिश की करेगा स्पेनिश में करेगा, जो भी लैंग्वेज है जिस तरह कस्टमर होता है उस तरह की आती है। ठीक है, पूछते हैं पहले किस लैंग्वेज में बात करना चाहोगे, हिंदी के लिए एक दबाएँ, इंग्लिश के लिए दो दबाएँ, इस तरह से, तो अलग अलग लैंग्वेज के बैठे होते हैं, तो जनार्दन जो है इंग्लिश में करता है, कम्युनिकेट करेगा, उसके प्रॉब्लम को सुनेगा ध्यान से। तो लगभग इंडियन होते हैं, चाइनीज होते हैं कॉल सेंटर में, इसीलिए पूरा वर्ल्ड जो है इनसे क्या है देखता, भाई पूरे वर्ल्ड में जो है चाइनीज और इंडियन ही हर जगह कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं या MNC में काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये हैरामधारी है, वो अपना क्या है एक बर्थडे गिफ्ट लेना चाहता साइकिल वगैरह, लेकिन लड़की मांगती है कि मुझे बार्बी डॉल चाहिए। बार्बी डॉल क्या है, USA का प्रोडक्ट है, डॉल बना रखी है उन्होंने, तो वो यहाँ से आती है। ऐसे चाइना के बारे में दिखाया, चाइना की मार्केट बहुत बड़ी है और चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं इंडिया में बिकते हैं, बाद पर यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जाते हैं इसके भी। ठीक है, तो बार्बी डॉल का दिखा रखा है, बार्बी डॉल पूरे वर्ल्ड में ले जाती है, कॉल सेंटर है, MBA कोर्स है, जींस है, खाने पीने का आइटम है, कल्चरल पॉलिटिकल सब चीज़ें हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट किसका,
ग्लोबलाइजेशन का, ऐसे एग्जांपल दे रखा है सारिका का, इसका भी सेम है थिंग। तो ये क्या है यहाँ पर दिखा रखा है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो अच्छा है और बुरा है, सभी बातें यहाँ पर दिखा रखी हैं। और यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको पॉइंट्स को, ठीक है। ये एग्जांपल क्या सेट करते हैं यहाँ पर, दिखाते हैं कि जो भी कोई भी अलग अलग तरीके होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकली भी, कल्चरल भी, सभी तरह के इसके एक्सेप्ट होते हैं। कोई एक डायमेंशन का नहीं है, मल्टी डायमेंशन होता है इसका, अलग अलग हर चीज़ को यहाँ पे इम्पैक्ट करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबलाइजेशन। ओके जी, तो यहाँ पर देखते हैं इसको। ये कुछ एग्जांपल और यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए आपके आस पास होते हैं सब। सम फार्मर्स कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ देयर क्रॉप्स फेल, उनकी फसल ख़राब हो गई इसलिए फार्मर्स ने सुसाइड कर ली, ठीक है। ये केस होते हैं, आपने पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, टीवी में सुने होंगे। क्यों कर ली सुसाइड? क्योंकि उनकी फसल ख़राब हो गई, क्रॉप्स फेल हो गई। क्यों हो गई फेल ख़राब? क्योंकि उनका बीज अच्छा था, सीड अच्छा नहीं था। सीड कहाँ से लिया? उन्होंने एक MNC से लिया, मल्टीनेशनल कंपनी से लिया था, ठीक है। जब मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी कि कई कंट्रीज में इनकी ऑफिस है, कंपनी से सेल करते अपने सीड्स को, इसलिए बोलते हैं मल्टीनेशनल, यानी कि कई सारे कंट्रीज में काम करती है, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। ये सीड सप्लाई करती है, बीज बेचती है पूरे वर्ल्ड में। अब इसका बीज पता नहीं यूरोप में कैसा है, अफ्रीका में इसका कैसा है, और एशिया में कैसा है, इंडिया में कैसा है, तो एक ही तरह का है या उनके एनवायरमेंट अलग अलग है हर जगह, वहाँ पर चल गए यहाँ पर ना चला हो। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया में इसका जो है सीड चला नहीं, फेल हो गया, क्रॉप फेल हो गई, कुछ हुआ नहीं। बेचारा ने बहुत महंगा बीज लिया था, एक्सपेंसिव था, देखो ठीक है। पहले क्या हुआ करता, किसान अपना बीज खुद तैयार किया करता, ठीक है, एक बोरी उसने अलग से रख लिया करता कि अगली बार मैं ये गेहूँ बो दूंगा अपने खेत में, और उस एक बोरी से बहुत सारी बोरी बन जाएंगी। खेती एग्रीकल्चर में यही होता, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, एक कंपनी आ गई बड़ी, वो कह रही कि मैं तुम्हें बहुत बढ़िया सीड दूंगी, इससे इतनी वैरायटी बढ़ेगी, इतना अच्छा होगा, ये होगा, गेहूं बड़ी अच्छी होगी, इससे रोटियां अच्छी बनेंगी, सफ़ेद आटे वाली होगी। तो क्या है, अपना प्रचार किया, मार्केटिंग की, गवर्नमेंट से इसने क्या किया, यहाँ पर एग्रीमेंट कर लिया और अपना सीड यहाँ पर उतार दिया मार्केट के अंदर, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। तो ये सीड आए तो यहाँ पर जो है अच्छे नहीं साबित हुए, और बेचारा का क्या हुआ, कर्ज लेके इसने महंगे बीज खरीदे और बाद में सुसाइड करनी पड़ गई। बहुत सारे किसानों की कहानी है, ऐसा ही हुआ है बहुत बार, ठीक है, क्योंकि केवल इसी पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर ही, वही फेल होगी तो कुछ नहीं बचा इनके पास। तो ये क्या है, ये कारण बना, ग्लोबलाइजेशन क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, एक ग्लोबलाइजेशन का एक प्रकार है, रूप है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, और उसके कारण लोग मर रहे हैं, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो सीड दिया वो महंगा है और उसने कोई फायदा भी नहीं हुआ, क्या हुआ, फेल हो गया वो, ठीक है। हालांकि कि कंपनी में केस वगैरह होते हैं, लेकिन इसका कोई असर ज़्यादा नहीं पड़ता। मल्टीनेशनल कंपनी है, अलग अलग कंट्री में से प्रोडक्ट बेचते हैं। इंडियन कंपनी है, ये दिखा रखा कि इंडियन कंपनी भी बड़ी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ की हुई, कई कंपनियों ने वो बाहर जाके कंपनीज को मर्ज कर लेती हैं, खरीद लेती हैं, ठीक है। तो इंडियन कंपनी है, क्या लेती है, इंडियन कंपनी ने किसी और कंपनी को खरीद लिया, ठीक है, और वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं या ओनर है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि क्यों खरीद रही हो, क्योंकि हम खरीदेंगे तो क्या करेंगे, छंटनी करेंगे कर्मचारियों की, बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनको हटा देंगे, तो इसलिए जो इसका विरोध होता है, प्रोटेस्ट होता है, इंडिया में भी होता है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा और एग्जाम्पल दे रखा है रिटेल का, आप कोई भी अगर शॉपिंग करते हो तो ऑनलाइन मंगाते हो, पहले क्या हुआ करता, रिटेल हुआ करता शॉपकीपर, अपने पड़ोस में दुकान हुआ करती, ठीक है, तो वहाँ से लेके आया करते, आज शॉपिंग मॉल से या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। मान लो फ़ोन मंगवाना है आपने, तो आप फ़ोन मंगाओगे, राशन मंगवाना घर के लिए, ग्रोसरी मंगानी है, सब्ज़ी मंगवानी, ऑनलाइन आपके घर पे आ जाता है चीज़ें, ठीक है। आपको ये है कि कुछ आपको इसमें थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है, घर पे आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। दूसरी क्या है, आपको आपको इससे मिल जाएगी, एक तो लेके आना पड़ेगा, एक घर पे आ जाती है डायरेक्टली। दूसरी क्या है, वैरायटी बहुत सारी मिल जाती है, और क्या है यहाँ पर कि बैंक से लोन वगैरह EMI में कट जाते हैं पैसे भी अगर फ़ोन लेते हो, तो बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें देख कर लोग ऑनलाइन मंगाते हैं। तो रिटेल में क्या है, रिटेल का जो शॉपकीपर है, अपने पड़ोस में बैठा दुकानदार है, हमारे पापा उससे लिया करते, हम नहीं लेते, तो उसके दुकान तो बंद होने वाली है ना, तो कोई लेने लेना चाहता उससे,
सभी लोग ऑनलाइन मंगाएंगे, शॉपिंग मॉल में जाएंगे, तो रिटेल का जो दुकानदार है कोने वाला, वो बेचारा क्या हुआ, उससे प्रभावित हुआ, किससे, ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये दिखा रखा है, फियर दैट दे वुड लॉस देयर लाइवलीहुड, अपने जीवन को या अपने जिंदगी को या अपने जो दुकानदारी खत्म हो जाएगी, इफ सम मेजर इंटरनेशनल कंपनी, अगर बड़ी कंपनी इंडिया में रिटेल चेन खोल लेती है, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड खुल गए इंडिया में, ठीक है, शॉपिंग मॉल खुल गए एक छत के नीचे, ईजी डे सुना होगा ना आपने, आधार है, ईजी डे है, ठीक है, और इसका रिलायंस का है, रिलायंस फ्रेश के नाम से है, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी खोल रही हैं, एक ही जगह पे सारा प्रोडक्ट दे रही हैं, विशाल मेगा मार्ट वगैरह है। तो ये क्या है, फिल्म प्रोड्यूसर है मुंबई का, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने स्टोरी को यहाँ पे, हॉलीवुड की स्टोरी थी, इसको ऊपर से फिल्म बना रहे हैं। तो ये क्या है, उसकी मूवी की नकल की है, कॉपीराइट का एक्ट बनता है इसके ऊपर। तो ये क्या है, उसकी कम फिल्म को सेम बना दिया इसने, हिंदी में बनवा दिया ये मुंबई के प्रोड्यूसर ने, ठीक है। तो वैसे कॉपी मार के फिल्म बनाते हैं, देखी भी होगा अपने, डब की हुई या फिर वैसे ही मूवी होती है, स्टोरी की नकल होती है। ए मिलिटेंट ग्रुप है, इश्यू स्टेटमेंट, थ्रेटन द कॉलेज गर्ल, कोई गर्ल्स है कॉलेज में जा रही है, स्कूल में जा रही है, स्कर्ट पहन के जाती है, उनकी अपनी ड्रेस होती है कॉलेज में, कुछ भी पहनो, तो लड़कियां वेस्टर्न वियर जो है, वेस्टर्न क्लोथ पहनती है, जींस पहन ली, स्कर्ट पहन ली, ठीक है, शॉर्ट पहनती हैं, तो उसमें क्या, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता ये, तो वो कहते हैं कि क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे कि तुमने दोबारा ऐसे ड्रेस पहनी तो अच्छा नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, लेकिन ये अपनी अपनी थिंकिंग, कोई कुछ पहनो। तो आगे यह क्या है, ये भी दिखा रखा है ग्लोबल एक्शन का है, क्योंकि गर्ल्स पहले कपड़े कुछ और पहना करती, अब जो है ट्रेंड दिख रहा है इस चीज़ का, तो ये जो है ये भी दिखा रखा है ग्लोबल एक्शन का इम्पैक्ट है, क्योंकि बाहर से जो है नए ड्रेसेस आती हैं, तो उनमें जो है पब्लिक है उसको यूज करती है, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ अपने अपने चॉइस है, कुछ खाओ, कुछ पियो और कुछ पहनो, वो वाली है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट दिखा रहा कैसा होता है, ठीक है। दिस एग्जाम्पल शो अस दैट ग्लोबलाइजेशन नीड नॉट ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये दिखा रहा है कुछ भी या हर कुछ यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होता, कुछ नेगेटिव भी होता है। हमने देखा कि दुकानदार जो है वो खाली बैठ गया, ठीक है, लोग धमकाने लगे गर्ल्स को, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, कोई कंपनी बंद हो रही तो अपनी छंटनी करेगा, रोजगार जाएगा बहुतों का, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। खाने पीने में जो है हम फूड खाते हैं टेस्टी होता है, लेकिन वो हेल्दी नहीं होता, ये भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह से, यहाँ पे और दे रखा है कि एग्जाम्पल तो हमने देख ली इस चीज़ की, अब देखेंगे होता क्या है ग्लोबलाइजेशन, ये नीचे दे रखा है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये क्या है, एक फ्लो होता है, फ्लो यानी कि हवा होती है, हवा यानी कोई भी प्रोडक्ट है, आइडिया है, थॉट्स है, कल्चर है, वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है, उसके उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, हवा बनती नहीं, हवा बनानी पड़ती है। जैसे मोदी ने पूरे वर्ल्ड में हवा बना ली, इंडिया की, मोदी खुद की, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है कि ग्लोबलाइजेशन का रूप हो गया इस तरह से, कि पॉलिटिकल थॉट्स यानी कि डेमोक्रेसी है, पहले यूएसए में आई फिर पूरे वर्ल्ड में आ गई, उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं, अडोप्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, डेमोक्रेसी पहले यूएसए में बनी थी, लेकिन हालांकि पहले भी था इंडिया में कल्चर ऐसा कि लोग चूज क्या करते हैं, अपने किंग को, राजा को, हिस्ट्री में पढ़ा हुआ आपने, अगर नहीं काम करेगा वो हटा दिया करते, बाद में वो बन गया फादर का बेटा जो है, अब जो है बनेगा फादर के बाद उसका बेटा बनेगा, किंग बनेगा ऐसे, लेकिन पहले चूज हुआ करते। तो यहाँ पे दे रखा है कॉन्सेप्ट कैसा है, ये है डील विद फ्लो, फ्लो क्या होती है, हवा होती है, प्रसार होता है, ठीक है, डील विद फ्लो, दिस फ्लो कुड बी द वेरियस काइंड, बहुत सारे प्रकार आते हैं इसके, टाइप्स होते हैं, आइडिया मूविंग फ्रॉम द वन पार्ट टू अनदर पार्ट, आइडिया कौन सा, मैंने बताया डेमोक्रेसी का आइडिया, जैसे किसी को विचार है, कोई कार्ल मार्क्स का विचार आया था देखो जर्मनी से, फिर यूएस आर ने इसको सोवियत सिस्टम में कन्वर्ट किया, फिर चाइना ने कन्वर्ट किया, फिर नेपाल में, इंडिया में भी कुछ पार्ट्स में है, तो कुछ थॉट्स हैं अलग अलग, ठीक है, पॉलिटिकल आइडिया है, इकोनॉमिक आइडिया है, कुछ भी हो सकता है इसका। और क्या है इसमें, ये तो हो गया आइडिया का, मूव करता है पूरे वर्ल्ड में। दूसरा क्या है, कैपिटल है यानी कि पैसा है, पूंजी है, जो करेंसी है, डॉलर क्या है कि ग्लोबल बन चुका है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इसका प्रचार किया गया है, इसके बिना ट्रेडिंग होती नहीं है पूरे वर्ल्ड में, दिखा रखा है, ठीक है। कमोडिटी यानी कि कोई सामान वगैरह है, ट्रेडिंग होती है अक्रॉस बॉर्डर, हर जगह मिलता है वो सामान, बर्बर डॉल का इसमें एग्जाम्पल दे रखा था, जीन्स का दे रखा है, बर्गर पिज्जा का है, ठीक है। पीपल्स का भी होता है इसमें, देखो लोग मूव करते हैं बेटर लाइवलीहुड के लिए, यानी कि
कोई एशियन कंट्री का है, अफ्रीकन कंट्री का है, वहाँ बेरोजगारी है, गरीबी है, वो क्या करेगा? यूएसए में जाएगा, यूरोपियन कंट्री में जाएगा काम करने के लिए, क्योंकि उसको वहाँ पे बेटर लाइफ मिलेगी वहाँ पे, ठीक है, यहाँ से अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए लोग मूव करते हैं, पब्लिक भी मूव करती हैं, ये होता है। और क्या यहाँ पर दे रखा है, ये सब क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन के प्रकार हैं इस तरह के, ठीक है। मल्टी डायमेंशन है, वेरियस काइंड का होता है और फ्लो होता है। ग्लोबलाइजेशन मीन फ्लो होता है, और फ्लो किस चीज़ का? आइडिया का, कम्युनिटी का, कैपिटल का, पूंजी का, पैसे का, पीपल्स का, सर्विस का, हर चीज़ का यहाँ पे दिखा रखा है। मल्टी डायमेंशन होता है। इसका एक वर्ड और देखा है यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में छा जाना कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, वो होता है इंटरकनेक्शन। देखो अब क्या है, आजकल टेक्नोलॉजी है, साइंस है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और हम हमारी पहुंच बन गई, पूरे वर्ल्ड वाइड बन चुकी है। हम यहाँ बैठे बैठे, मैं आपको यहाँ बैठे बैठे पढ़ा रहा हूँ, जैसे कोई यहाँ पे बना बना वीडियो बना रहा है, लाइव चला रहा है, आप पढ़ रहे हो सामने उसके बैठ के। तो ऐसे ही यहाँ की वीडियो पूरे वर्ल्ड में दिखाई देख रहे हैं लोग, यूट्यूब पे वगैरह वगैरह। इस तरह से जो है क्या होता है, कोई अच्छा थिंकर है, कोई अच्छा राइटर अपनी बात पहुँचाता है किसी भी साइंस टेक के माध्यम से या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो क्या पहुँच है। या फिर हमारा कोई रिलेटिव रहता है बाहर, यूएसए में रहती है, जैसे मेरी बहन रहती है, तो मैं क्या करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो मैं यहाँ से बैठा बैठा स्काइप पे लैपटॉप से कर लेता हूँ, उनसे डायरेक्टली वीडियो कॉल कर लेता हूँ, व्हाट्सएप पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये पहुँचे हमारी वहाँ तक। ओके, और नेक्स्ट लेवल पे इसमें देखते हैं एक बार, इस फ्लो के अलग अलग किस तरह के रूप है वो यहाँ पे दिखा रखे हैं। ये तो अपोज किया गया है वो है, लेकिन नीचे दिया होगा आपको दिखाया जाएगा। तो फर्स्ट, ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। क्या है ये मल्टी डायमेंशन, हमने पढ़ा ना, मल्टी काइंड होता है, बहुत सारे इसमें रूप होते हैं। इट हैज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है, कल्चर भी है। पॉलिटिकल कैसे हैं, पॉलिटिकल हमने पढ़ा डेमोक्रेसी का है या कोई और है आइडिया। इकोनॉमिक्स में क्या है, डॉलर का वगैरह का है या ट्रेडिंग का है। कल्चरल में क्या है, खाना पीना, रहना पहनावा, वो सब है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब के सब जो प्रभाव है पूरे वर्ल्ड में ये होता है। तो ये अपना लिखना, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, इट इज अ फ्लो ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। ये इतना काफ़ी आपके लिए। तो ये होगा। नेक्स्ट में क्या है, अब देखते हैं इसके अंदर, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज वास्टली अनसीन, अनएवन, इज इफेक्ट सम सोसाइटी मोर देन अदर, सम पार्ट ऑफ सम सोसाइटी इज मोर देन अदर। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हर जगह ऐसा नहीं होता, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम होता है, और यहाँ पर ये शो किया जाता है किस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कॉजेज क्या है इसके, क्या कारण है ग्लोबलाइजेशन के। मैंने बताया साइंस टेक है, इंटरकनेक्शन है, डिपेंडेंट है, आपस में डिपेंड हो गए हैं लोग, क्योंकि अब ग्लोबल विलेज बन चुका है, पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इसके कॉजेज हैं। तो फर्स्ट क्या इसमें देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी दिखा रखा है व्हाट अकाउंट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, फ्लो ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कम्युनिटी, पीपल्स। तो ये सब क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट है, रूप है, इस तरह से होता है ग्लोबलाइजेशन। एंड फ्लो है इसका, तो वह कैसे बढ़ता है वो हम देख लेते हैं कि स्टार्टिंग से एग्जांपल दे रखा है, बहुत पुराना है ये ग्लोबलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक बेसिक है ये वाला, इम्पोर्टेंट रूप विद द कंटेम्प्रेरी फ्लो अगेंस्ट दिस। तो देख लेते हैं इसके जो मेन मेन कॉजेज क्या है, वो क्या है। देखो सबसे पहले तो ये होगा, ये कॉलोनी जिसने हुआ था पहले, ग्लोबलाइजेशन से पहले क्या हुआ था, कॉलोनी बनाई गई थी ब्रिटेन फ्रांस के द्वारा, यूरोपियन कंट्री के द्वारा, जैसे इंडिया भी था, कॉलोनी था ब्रिटेन की, तो उनका यहाँ पे सामान बिका करता, ठीक है। तो वो एक मार्केटिंग की गई थी इस तरह से। और यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, टेक्नोलॉजी का यूज़ होने के कारण जो है बहुत प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का, और जो आइडियाज़ है, कैपिटल है, पीपल से मूव करते हैं, और
ठीक है, तो यहाँ पे देखा रखा है द पेस ऑफ दिस फ्लो में वेरी फॉर इंस्टेंस द मूवमेंट ऑफ द कैपिटल कमोडिटी वेरी क्विकली. अब क्या हो गया, बहुत से जल्दी जो है पहुँच बन गई पूरे वर्ल्ड में हर चीज़ की. सामान पहुँचाया जा सकता है, जाया जा सकता है बाई प्लेन कहीं भी किसी भी कोने में. और यहाँ पे है जो कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो चुकी है, पहुँच बन चुकी है, आप कहीं भी बैठे बैठे सामान आपका या सर्विस दे सकते हो. ठीक है, एबिलिटी ऑफ इम्प्रूवड कम्युनिकेशन यानी साइंस टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ, ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव हुआ, ये सब क्या है, इसके कॉजेज हैं ग्लोबलाइजेशन के. और ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लगे हैं किस में, क्योंकि ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी यूज हुई है इंडस्ट्री के अंदर भी, एग्रीकल्चर के अंदर भी, तो उससे बहुत इम्पेक्ट पड़ता है इस चीज़ का. ओके, तो यहाँ पर दिखा रखा है ये वाला प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड में जो इस तरह से फैले हुए हैं. गुड़गांव का सीन है ये. पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है इसके, क्या क्या रिजल्ट है पॉलिटिकल के ऊपर? एक तो ये है, अगर ग्लोबलाइजेशन होगा उसका फ़र्क क्या पड़ेगा पॉलिटिकल पे? जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम होता है मेन प्रायोरिटी हुआ करती सोशल वेलफेयर की. ठीक है, पब्लिक के सभी पब्लिक के वेलफेयर के लिए पॉलिसी बनाया करती गवर्नमेंट. लेकिन अब उस पर इम्पैक्ट हुआ है कि सर ग्लोबलाइजेशन का, कोई बड़ी कंपनी बाहर की आती है वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है कि आप फ्री में मत दो ये चीज़. ठीक है, तो प्राइवेट हम हॉस्पिटल खोल लेंगे और उसमें आएंगे सभी लोग और इस तरह से प्रॉफिट कमाएंगे. वो गवर्नमेंट को भी इसमें क्या देंगे, टैक्स वगैरह देंगे. तो पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों का डिसीजन यहाँ पे इंटरफेयर हुआ है किसी पब्लिक कंपनी के कारण. ठीक है, जैसे कि आप कम्युनिकेशन में देख लो, पहले BSNL की हुआ करती गवर्नमेंट की है ये, लेकिन प्राइवेट बहुत सारी हैं, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया, सभी जो कंपनीज है ये इन्होंने अपनी यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए बना रखा सिस्टम और गवर्नमेंट से डील भी कर रखी है. गवर्नमेंट इनको टेंडर देती है बड़े बड़े, ठीक है, पूरे इंडिया के लिए. तो BSNL क्या थी, सस्ती थी, चीप थी, पब्लिक के लिए ठीक थी, वेलफेयर का काम था इसमें भी, बहुत सारे रोजगार मिले हुए थे. अगर लाइन बंद हो गई तो रोजगार चला जाएगा, एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा. लेकिन इसमें खास बात यह है कि प्राइवेट चीज़ें जो है सर्विस बड़ी फास्ट देती है, अच्छी देती है, इसीलिए लोग इनको चूज करते हैं. ये अच्छा इफेक्ट भी है, बुरा भी है. अब मेन देख रहे हैं पॉलिटिकल के ऊपर क्या प्रश्न देखते हैं, वो देखते हैं. अब देखिए यहाँ पे दे रखा है, ग्लोबलाइजेशन रिलेट टू ऑनगोइंग पॉलिटिकल इम्पैक्ट. पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसे होता है ग्लोबलाइजेशन का, वो देख लेते हैं. इसकी सोजनिटी पे, इसकी डिसीजन मेकिंग पर क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे देख लेते हैं. फर्स्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इज एन अरेशन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, दैट इज द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू वट दे डू. जो गवर्नमेंट करना चाहती है वो नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी पॉलिसी को यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया जाता है ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, बड़ी कंपनीज के द्वारा, MNC के द्वारा. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया आपका, जो कैपेसिटी है उसकी, उसको कम किया जा रहा है. स्टेट की कैपेसिटी क्या होती है, वेलफेयरिंग की होती है, काम करने की होती है, पॉलिसी मेकिंग की होती है. तो गवर्नमेंट जो करना चाहती है वो कर नहीं पाती, क्योंकि बड़ी कंपनी का प्रेशर होता है. तो पहले गवर्नमेंट क्या क्या करती, वेलफेयर स्टेट हुआ करती और जो है पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम किया करती. लेकिन अब जो है अगर बड़ी कंपनी आकर इन्फ्लुएंस करेगी गवर्नमेंट के पॉलिसी को, तो यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर नहीं हो पाएगा. फर्स्ट पॉइंट यही आपका, वेलफेयर स्टेट था, अब स्टेट का काम केवल क्या रह गया, अब केवल लॉ एंड ऑर्डर रह गया, सिक्योरिटी ऑफ स्टूडेंट रह गया, केवल यही काम रह गया, पहले नहीं था सारा. ठीक है, मार्केट डिपेंड करती है, मार्केट पर डिपेंड हो गई है, गवर्नमेंट भी मार्केट में क्या चल रहा है उस हिसाब से चीज़ें होती है. ठीक है, इकोनॉमिक सोशल प्रायोरिटी चेंज हो गई गवर्नमेंट के कारण, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल चुकी है और वो कैपेसिटी को कम करती है. वाला पॉइंट उठा लो यहाँ से, क्या है, द एंट्री एंड द इंक्रीज ऑफ द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड टू ए रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन. अपने आप से डिसीजन लेने का जो कैपेसिटी है उसको कम कर दिया, किसने, MNCs ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने. ओके, फर्स्ट पॉइंट आपका ये रहेगा, इसको लिख लेना आप लोग. नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट्स कैपेसिटी. कई बार अच्छा भी होता है, कई बार अच्छा नहीं भी होता. तो ये है ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट, अपोज किया जा रहा है वो दिखा रहा है यहाँ पे. अब देखते हैं नीचे, ये तो हो गया पॉलिटिकल कोज हो गया. अब देखते हैं इसके इकोनॉमिक एंड
कल्चरल कोज क्या है, हमने ये चीज़ पढ़ रखी है कि इसमें यूएस हेजमनी में पढ़ चुके हैं पहले, किस तरह से यूएस हेजमनी मिलिट्री थी, कल्चरल थी, डॉलर इकोनॉमिक थी, इंटरनेट की थी, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो है इस तरह का अब रोल हो गया है मल्टीनेशनल कंपनी का, प्रभावित करती हैं। यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड थिंग इकोनॉमी वाली थी, उसको और देखते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इसका रिजल्ट। अब यहाँ पे जो है इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या है, ग्लोबलाइजेशन के कारण देखिए ये है रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उनको भी जो है यहाँ पे प्रभावित किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा, ठीक है। ये क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि IMF है, UNO है, WTO है, ये क्या है, ये केवल है वेस्टर्न इंटरेस्ट को यहाँ पर जो है पूरे वर्ल्ड में पॉलिसी को प्रभावित कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगर बड़ी कंपनी है वो WTO को या IMF को प्रभावित करती है, इसकी पॉलिसी को प्रभावित करती है, और पूरी पॉलिसी जो है पूरे वर्ल्ड में उसकी फैल जाती है, इसके थ्रू फैलती है, ठीक है, WTO और IMF के थ्रू, ठीक है। ये वाला है तो सेकंड पॉइंट अपने इकोनॉमी वाला डाल देना, ये वाला, ओके। और क्या इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, जो वेस्टर्न कल्चर के प्रोडक्ट हैं सारे वही WTO के अकॉर्डिंग बिकते हैं या पूरे वर्ल्ड में वो ही वर्ल्ड वाइड उनकी परचेजिंग होती है, ठीक है, क्योंकि WTO क्या करता है, वर्ल्ड ट्रेडिंग के लिए रूल रेगुलेशन मेंटेन करता है, बनाता है कैसे होंगे। और थर्ड क्या है इसके अंदर, वो है कल्चरल का, हम पहले पढ़ भी चुके हैं कल्चरल इम्पैक्ट क्या होगा, रहना खाना पीना पहनना, तो वो चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे देखा इकोनॉमिक का, डेवलप कंट्रीज हैव केयरफुली गार्ड देयर बॉर्डर विद वीजा पॉलिसी टू इंश्योर दैट सिटीजन ऑफ अदर कंट्री कांट टेक अवे द जॉब टू देयर ओन सिटीजन, ठीक है। तो ये दे रखा है USA करता है इस तरह की पॉलिसी, कई बार वीजा के नियम सख्त बना देगा बाहर से ना आए कोई, लेकिन हमारे पूरे जो है लेवल के ऊपर ये चीज़ें फैली हुई है। नेक्स्ट है इसके अंदर, आ रहा हूँ 2 मिनट में। थिंकिंग अबाउट द ग्लोबलाइजेशन कॉन्सिक्वेंस, ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक पॉलिसी पे बहुत फर्क पड़ता है गवर्नमेंट के ऊपर। और एक है यहाँ पर डिवीजन ऑफ ओपिनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे क्या है, जो ओपिनियन है विचार है पब्लिक के, उनको भी यहाँ पर डिवीजन किया जाता है किसको, ग्लोबलाइजेशन के कारण, ठीक है। दो अलग अलग यहाँ पे ग्रुप बन जाते हैं, कोई उसको अच्छा बताएगा ग्लोबलाइजेशन का, कोई उसको गलत बताएगा। जैसे कि हमने इकोनॉमी को ओपन किया था इंडिया ने 1991 में, तो कई वो पार्टी ने उसको विरोध किया था, लेकिन आज सभी पार्टी उसको मान रही कि ठीक किया। तो ये क्या है कि डिवीजन हो जाता है कि अच्छा नहीं होगा ग्लोबलाइजेशन, कोई कहता है अच्छा होगा करो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो दो अलग अलग पॉइंट हैं ओपिनियन इसमें थोड़ा चेंज होता है। ये मैंने बता दिया कि वेलफेयर का कम हो करता, एजुकेशन हेल्थ सैनिटेशन का वो नहीं हो पा रहा इसके कारण, और सोशल सेफ्टी नेट हुआ करते, यानी कि ये ज़रूरी थे सोसाइटी को वेलफेयर करना ज़रूरी था पहले, अब नहीं हो पा रहा, इसको इम्पेक्ट करता है। अगर सब कुछ प्राइवेट हो गया तो लोग परेशान हो जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ अर्थ दैट द जनरेशन ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ, अब यहाँ पे देख लो जो ग्लोबलाइजेशन को एडवोकेट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, वो क्या कहते हैं, एडवोकेट द ग्लोबल नेशन आर्क दैट इट जनरेट ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अगर ग्लोबलाइजेशन बढ़ जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में आपके प्रोडक्ट बिकेंगे, इससे क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आएगा बाहर से, FDI आएगी, बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, रोजगार भी होगा, इंक्रीज होगा, और वेल बींग फॉर द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, बहुत सारे जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे लाभ मिलेगा इसके कारण, ये है इसका फायदा। और कुछ जो है ट्रेडिंग वगैरह बढ़ जाएगी, कंट्री की इकोनॉमी वगैरह बढ़ जाएगी, बूस्ट आएगा इसके अंदर, ये क्या आ रहा है, बेनिफिट मिलेगा पूरे वर्ल्ड को इससे, ये आर्ग्यू है इसका। बट जो दूसरी पार्टी जो अपोज करते हैं पोल्यूशन का, वो क्या कह रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है अमीर ज़्यादा अमीर हो जाएगा और गरीब ज़्यादा गरीब बन जाएगा, रिच आर रिचर पुअर आर बिकम पुअर, तो ये इफेक्ट है। और जो लोकल कल्चर है लोकल इकनॉमी वो ख़त्म हो जाएगी, वो भी बता रहे हैं। ठीक है, थर्ड बता रहे हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो पूरे वर्ल्ड पर फैला जा रहा है ग्लोबलाइजेशन के कारण। ठीक है, ग्लोबल कल्चर इज़ द इम्पोजन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में फैलाया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है उनके द्वारा। तो हम इसको पढ़ चुके हैं, यूएसए जर्मनी में दिखा रखा था बर्गर किंग वगैरह इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। मैकडोनाल्ड यानी कि जो एक कंपनी है ना मैकडी, जिसे हम पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, उसको दिखा रखा है यहाँ पर, उसके कारण पूरा वर्ल्ड मैकडोनाल्ड हो गया, यानी कि पूरे वर्ल्ड में फैल गया वो भी खाना पीना उसका कल्चर। तो ये है इस चीज़ के कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है। कल्चरल में आपका ये खाना पीना रहना पहनावा सब हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये है यहाँ पर जैसे कि कुर्ता, पहले जीन्स आई थी, जीन्स के ऊपर हमने ट्रेंड बनाया कुर्ता पहने का खादी का, तो दोनों यहाँ पर क्या हुआ ट्रेंड चल पड़ा। अब खादी कुर्ता नीचे जीन्स पहनते हैं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बच्चे, तो वो है कि हमने भी प्रभावित किया है ग्लोबलाइजेशन के कारण, हमारा खादी कुर्ता पूरे वर्ल्ड में पहना जाता है, पहले भी था ये तो, और अभी भी दोबारा से स्टार्ट हो गया है खादी कुर्ता जीन्स के ऊपर। ओके, कल्चरल होमोजेशन होता है ऐसे तो ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, किसी कल्चर का जो है फ़र्क पड़ता है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, और लोकल चीज़ें भी कई बार प्रोग्रेस कर जाती हैं, जैसे खादी कुर्ता का ट्रेंड बन गया इस तरह से, इसको बोलते हैं होमोजेशन। ठीक है, तो अब ये है इंडिया का यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन में क्या रोल है और कैसे इसको रोकते हैं, ये पूरे वर्ल्ड का है। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, कैसे रुकावट है इसमें या कैसे रोक सकते हैं इसको, वो दिखा रखी है। इसको जो है एक तो अवेयरनेस के द्वारा इसको रोक सकते हैं, या अपने जो गवर्नमेंट है वो अगर पॉलिसी बनाए इस तरह से वो भी रोक सकती है, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन पॉलिसी बोलते हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना अपनी पॉलिसी बनाकर। ठीक है, ये है वो वर्ड प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं इसको, ये वाला। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, पहले इंडिया की पॉलिसी हुआ करती है, इसको बोलते हैं बंद इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी कहते हैं, कि बाहर से ना FDI आएगी, ना प्राइवेट कंपनी आएंगी, ना MNC यहाँ पर काम करेंगी, हमारा कल्चर हम सिक्योर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अपनी पॉलिसी बना के इस तरह से। ठीक है, तो ये है, और ट्रेडिशनल कल्चर को उसमें रोकेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे इस चीज़ को, ये होता है। एक होता है एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट चला जाए तब रुकेगा, ये एंटी ग्लोबलाइजेशन तो चला हुआ ऑलरेडी, बहुत सारे लोग इसको अच्छे नहीं मानते और अपोज करते हैं इसके। ठीक है, तो ये भी है मूवमेंट चला जा सकता है। थर्ड है कि WTO की मीटिंग में मुद्दा उठाया जाता है ये। ठीक है, ये है WTO वर्ल्ड ट्रेड, उसमें इसकी मीटिंग में भी मुद्दे उठाए गए थे, क्या वर्ल्ड वाइड ये था इश्यू कि जो ये WTO ये क्या करती है, केवल वेस्टर्न इंटरेस्ट को देखती है, डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट को नहीं देखती, केवल वेस्टर्न कल्चर को ही प्रमोट करती है। ठीक है, ये चीज़ थी। और नेक्स्ट है, इसमें एक पॉइंट और करा देता हूँ, वो कौन सा है, ये देखिए, वर्ल्ड सोशल फॉर्म बनाया गया है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्ल्ड सोशल फॉर्म, क्या है ये, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है ये किस चीज़ का, इस ब्रिंग टुगेदर सभी लोगों को इकट्ठा करेगा, वर्ल्ड कोलेशन कंपोज क्या करेगा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज इन एनवायरमेंट यूथ वुमेन एक्टिव सर्विस में मिल जाएंगी, और ये क्या करेंगे, विरोध करेंगे, अपोज करेंगे किस चीज़ का, नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन का। ये क्या है, नया नव उदारवाद है ग्लोबलाइजेशन के लिए, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसके कारण दूसरी कंट्री का जो कल्चर है वो पूरे वर्ल्ड में छा रहा है, या उनका प्रोडक्ट छा रहा है, लोकल प्रोडक्ट जो है वो बिक नहीं पा रहा है, या वो लोकल कल्चर ख़त्म हो रहा है, हार्म हो रहा है उसको, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म बनाया गया पूरे वर्ल्ड का, और ये रोकता है किसको, ग्लोबलाइजेशन को रोकता है। ठीक है, तो इनकी मीटिंग पहली हुई थी वो ब्राज़ील में हुई थी, इंडिया में हो चुकी मुंबई में, और अब फिर ब्राज़ील में हुई है 2018 के अंदर ये वाली। ठीक है, ये हुई मीटिंग मार्च 2018 में। अब है इंडिया का रोल इसमें, इंडिया कैसे करता है, कैसे रोकता है या कैसे रोक सकता है, सेम चीज़ हमें भी, इंडिया जो है यहाँ पर मूवमेंट चला देता है या अपनी प्रोटेक्ट करता है कल्चर को, ऐसे पॉलिसी बना देगा या टैक्स लगा देगा ज़्यादा, मतलब चाइनीज आइटम इंडिया में बिकते हैं तो उस पर अगर अलग टैक्स बना दिया इंडिया ने तो बिकना बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टैक्स ज़्यादा हो जाएगा,
चीज़ें महंगी हो जाएंगी। चाइनीज आइटम क्यों लगते हैं? क्योंकि वो सस्ता होता है लेकिन टिकाऊ नहीं होता, जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं क्योंकि सस्ता होता है, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, नया होता है, फ्रेश होता है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा देगी तो वो कम हो जाएंगे आना इंडिया के अंदर। तो ये पॉलिसी यहाँ पर इंडिया की रेसिस्टेंस ऑफ ग्लोबल, इंडिया बिकम डिफरेंट क्वार्टर, अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे काम करती है, प्रोटेक्ट टू इकोनॉमिक लिबरेशन, अपने जो है प्रोटेक्ट करती है। एक तो यहाँ पे है लेफ्ट विंग, एक है राइट विंग। लेफ्ट विंग क्या होती है, हमने पढ़ा ना लेफ्ट और राइट दो आइडियोलॉजी होती है, तो लेफ्ट विंग जो है ये अपोज करती है ग्लोबल का, किस तरह से करती है, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक बेस पे करती है। खास करिए इन्होंने विरोध किया था जब इंडिया ने मार्केट ओपन की थी, FDI को, MNC को ये विरोध करते हैं। आपने पढ़ा होगा उड़ीसा में पोस्को प्लांट लगना था लेकिन स्टील प्लांट इन्होंने विरोध किया था, लग नहीं पाया। तो ऐसी पॉलिसी जो है ये लेफ्ट वाले अपनाते हैं। ट्रेड यूनियंस होती हैं इनकी दूसरी, ये वाली सोशल इंडिया, इंडियन सोशल फोरम भी बना रखा है इन्होंने, जैसे वर्ल्ड का बना रखा है ऐसे ही, तो ये अपोज करते हैं, फार्मर्स के इश्यूज वगैरह उठाते हैं, ये वाला ठीक है। एक एग्जांपल दे रखा है नीम का, नीम क्या है, इंडियन प्लांट है, बड़ा पुराना, इसकी हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं, तथन वगैरह, लेकिन USA ने, अमेरिका ने, यूरोपियन फॉरम ने इसको पेटेंट करवाने का ट्राई किया था, ठीक है, हमने अपोज किया था इस चीज़ को, कहते हम बनाते हैं शुरू से, तुम कैसे इसका पेटेंट करा रहे हो, ठीक है। तो ये था ऐसे ही राइट विंग है। राइट विंग क्या होती है, राइट होती है कि कल्चरल इन्फ्लुएंस को प्रभावित करने जो है उनको बैन करवाती है, ठीक है, जैसे कि फॉरन TV के चैनल आते हैं यहाँ पे इंडिया में, इस चीज़ों को ये रोकती है। तो ये है आपका चैप्टर क्वेश्चन, ये कंप्लीट हुआ, इसको ध्यान से एक बार कर लो, नीचे क्वेश्चन दे रखें। थैंक यू।